नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों की ओर। पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, में विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए भाजपा पार्षद को विधायक के सामने ही घोपा चाकू, पेट में आए छह टाके। घटना गुरुवार रात 11 बजे उज्जैन के खाक चौक इलाके की है। वार्ड 24 से भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास यहां मैरिज गार्डन कृष्ण वाटिका में शादी के लिए आए थे। उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन भी शामिल हुए थे। दोनों जब गार्डन से बाहर की ओर लौटने लगे, तभी एंट्री गेट पर 5 से 6 युवकों ने अचानक पार्षद पर हमला कर दिया। उन्हें लातों से मारा, एक ने चाकू घोप दिया। विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्षद को बचाया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक और पार्षद की गाड़ी एंट्री गेट पर खड़ी थी, सामने से एक और कार आ रही थी। सामने से आ रही कार का रास्ता रुकने की वजह से पार्षद और हमलावरों के बीच पहले कहासुनी हो गई, उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मारपीट कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों का पता लगा रही है। विधायक पारस जैन ने बताया कि वह भी शादी में गए थे, बाहर निकले तो विवाद होते देख बीच बचाव कर श्रीवास को अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे, जो कि काजीपुरा के मीणा बताए जा रहे हैं। वे काले रंग की कार से आए थे और भाग गए। इस बाबत थाना जिवाजीगंज प्रभारी गगन बादल ने बताया। थाना जिवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा वाटिका, जो कि खाक चौक के पास में है, वहां पर जनप्रतिनिधि सुशील श्रीवास जी किसी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहां गाड़ी पार्किंग को लेके कतिपय लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनको चाकू से चोट पहुंचाई गई है। अभी वे सिविल हॉस्पिटल उज्जैन में इलाजरत है, हमने उनसे चर्चा भी की है। आरोपी गणों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर कई जनप्रतिनिधि भी थे, संभवतः अभी जांच की जा रही है और भी बहुत सारे तथ्य सामने आए। कितने चाकू लगे हैं, क्या करते? अभी वो इलाजरत है, अभी मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे और इलाज करता डॉक्टरों से चर्चा करके सारी जानकारी लेंगे। पेट पे घाव पहले उसमें आ रहा है। कौन लोग हैं ये चाकू वाले? अभी उसी के संबंध में तलाश की जा रही है। सूदखोरी के कारण मौत के मुंह में समाये व्यक्ति का शव लेकर परिजनों ने किया पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन। वहीं शहर की कानून व्यवस्था को लेकर महापौर ने आईजी से की मुलाकात। थाना देवातगढ़ क्षेत्र अंतर्गत कमलपिता जानकीलाल उम्र 50 वर्ष निवासी हीरामिल की चाल ने 2019 में 50,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसका ब्याज समय पर अदा भी किया जा रहा था। लेकिन कल शाम आरोपी मोंटू गुज्जर, अजय मिस्त्री, अजय मरमट एवं गोलू ने कमल एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट करते हुए 5 लाख रुपयों की मांग की व जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके चलते कमल ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके पश्चात परिजनों ने एसपी कार्यालय पर कमल का शव रखकर सूदखोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत कमल की पुत्री भारती डोरवाल एवं एएसपी इंद्रजीत बकरवाल ने बताया। कल मैं पापा को उठा के ले गए, पापा और मैं भाई को, और ऊपर लटका दिया घर में उनको, और ना तो बहुत मारा मेरे भाई को भी, मेरे पापा को भी, और फिर पापा से बोला कि 5 लाख रुपए लाके दो, शाम तक नहीं तो तेरे छोरों को मार दूंगा। शाम तक 6 बजे तक दे। मोंटू गुजर और एक अजय मिस्त्री, अजय मरमट, गोलू। पचास हजार लिए थे और 50,000 का 5 लाख रूपए मांग रहा है, और इतना ब्याज दे दिया हमने, उससे ज्यादा 20,000 का महीना ब्याज भर रहे हम, और रसीद भी हमारे पास। टीआई चिमनगंज से बात करने में पता चला है, और लोग जैसा बता रहे थे कि मोंटू गुज्जर के खिलाफ 15 से 16 मामले और भी पुराने कायम है, और वो पुराना गुंडा जैसे रहा है। जैसे एक महिला और खड़ी है यहाँ पर, रितेश लोडिंग भी उसका एक सहयोगी है जो उनके साथ मिलकर कार्य करता है। तो अभी मैंने टीआई जीवनगंज को इंस्ट्रक्ट किया है कि एक तो इस पे जो इसके जो जिस तरीके से ब्याज लेने का तरीका है और जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है, इसके खिलाफ एक जांच भी करके हम इसमें मुकदमा कायम करेंगे, आगे इसकी नीचे तह तक जाएंगे। दूसरा यदि अपराध ज़्यादा है, जो मैं देख के अभी देख नहीं पाया हूँ, उसको एक बार क्राइम हिस्ट्री आ जाए, उसके बाद फिर अगली हम तगड़ी कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित किया है और हम आगे कार्रवाई करेंगे भी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस तरह के लोग जो ब्याज में पैसा चलाते हैं, फिर ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को धमकाते हैं, फिर उनसे दुगने और तिगने पैसे वसूल करते हैं, यदि इस तरह की इसमें समझ में आएगा आगे, तो इस पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सर, लगातार देखने में आ रहा है कि चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, चोरियाँ हो रही हैं, उसको लेकर क्या? अभी रिसेंट आप चाकूबाजी की दो घटनाएं हुई हैं, एक कार्तिक मेला ग्राउंड पे हुई है और कल रात में
एक घटना कृष्णा वाटिका के सामने हुई। दोनों घटनाओं का पैटर्न बहुत अलग है और दोनों पे इफेक्टिव कार्रवाई बहुत अच्छे से हो गई। कल भी आपने देखा होगा कि अपराधियों के मकान वगैरह वो किए गए हैं। आगे भी इसमें कल रात की घटना का स्वरूप एकदम अलग है। गाड़ी आपको भी पता होगा, गाड़ी को आगे पीछे करने को लेके कहा सुनी होने के बाद से फिर वो विवाद बढ़ा है और दोनों अलग अलग उसको बिलोंग करते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग कहने हैं। तो हम आगे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और रही बात चाकूबाजी घटनाओं की, तो अब इसमें हम और भी अच्छे तरीके से शाम की पेट्रोलिंग और शाम की इफेक्टिव बेसिक पोजीशन को बढ़ाएंगे। बीते 2-3 सप्ताह से शहर में बदमाश बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। पुलिस के चेकिंग अभियान का तो पता नहीं है, ऐसे में लगभग हर बदमाश चाकू और अन्य हथियार लेकर चल रहा है। सूदखोरी का मामला हो या कार्तिक मेले में हत्या का, पार्षद को चाकू मारने की घटना हो या घर से बालिका के अपहरण का प्रयास लगता है, बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। इसी सिलसिले में महापौर मुकेश टटवाल, सभापति श्रीमती करारती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महामंत्री संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया एवं अन्य पार्षदों ने शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह से मुलाकात करते हुए अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चर्चा की। यहाँ हमने देखा कि इंदिरा नगर में एक परिवार ने घर में घुस करके हमारा आज ग्रामीण के चाल में भी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली किसी झंडे के डर की वजह से। तो उससे बड़ी बात है हमारे नगर निगम के हमारे पार्षद साथी सिंधिया जो विवाहिक कार्यक्रम में गया था उनके परिवार के साथ था, वो उसको बिना खोदते लोग चाकू मार रहे और हमारे क्षेत्र के विधायक उनके घर में अगर वो नहीं होते बचाते नहीं तो शायद बड़ी घटना हो जाती। तो हमारा उज्जैन ऐसा लग रहा था कोई देखने वाला नहीं रहा, तो उस बात को लेकर के सभी लोगों का आक्रोश था। तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष जोशी जी, नगर निगम के हमारे सभापति जी और हमारे सारे पार्षद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी हम नेताओं के साथ में आकर के हमने आज साहब को सारी बातों से अवगत करवाया है और साथ ही हमने मांग करी कि तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्थानीय टावर चौक पर कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत और प्रचंड बहुमत मिलने पर गुरुवार शाम को शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हिमाचल वासियों ने अभूतपूर्व समर्थन देकर पूर्ण बहुमति की सरकार बनाई। ये जीत हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि, समर्थक व प्रतीक है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर इकट्ठे होकर जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष श्री भरत पोरवाल, पूर्व पार्षद श्री सुनील कुचवाय, सुरेंद्र मरमट, पार्षद फिरोज पठान, इमरान खान, छोटे लाल मंडलोई, मकसूद अली, कैलाश सोनी, मुजिब सुपारी, श्रवण शर्मा, ओम भारद्वाज, आनंद बागोरिया, दीपक मेहरे, गीता यादव, सोनिया ठाकुर, अर्पित यादव, निखिल गोठवाल, सतीश मरमट, प्रकाश मेहरा, मनोज त्रिवेदी, अभिषेक सिसोदिया, वरुण शर्मा, उत्तम जायसवाल, अशोक चौधरी, अनवर बाबा, विक्की भदौरिया, विशाल यादव, रवि यादव, राहुल अखंड, प्रकाश मेहरे, विनोद पोरवाल आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी आपने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी उपलक्ष्य में हमारे सारे शहर कांग्रेस के पदाधिकारीगण ने यहाँ पर आतिशबाजी करी, यहाँ पर जश्न मनाया और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो हिमाचल के अंदर 39 सीट जीत कर और कांग्रेस की सरकार बनी है, निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती प्रदान हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आगे भी जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के यहां पर सरकार बनाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के मुख्य आतिथ्य में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जिम्नास्टिक और मलखंब में हुनर दिखाने पहुंचे 9 संभागों के 441 खिलाड़ी। शासकीय श्री कृष्ण सरल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 2 के परिसर में गुरुवार को 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। इस प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक और मलखंब में हुनर दिखाने के लिए 9 संभागों के 441 खिलाड़ी विद्यार्थी उज्जैन पहुंचे। गुरुवार दोपहर 12 बजे प्रतियोगिता का शुभारंभ होना था, लेकिन मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के देरी से आने के कारण लगभग 1 घंटे की देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ। अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक पारस जैन ने की। विशेष अतिथि के रूप में महापौर मुकेश टटवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, यूडीए के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता एवं एमजी स्पेकर उपस्थित थे।
अतिथियों का स्वागत संयुक्त संचालक शिक्षा आर के सिंह एवं डीईओ आनंद शर्मा ने किया। अतिथियों ने मध्य प्रदेश के ध्वज का ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके बाद 9 संभागों से आए हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। कार्यक्रम में शासकीय उत्कृष्ट उमा विद्यालय माधव नगर की छात्रा तनिष्का पंथी ने गणेश वंदना की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। शासकीय धान मंडी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राजस्थानी लोकगीत की प्रस्तुति। वहीं रजनी नरवरिया के मार्गदर्शन में नन्हे बालक बालिकाओं ने लाठी चालन विधा की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अतिथियों ने 5 करोड़ की लागत से बने बहुउद्देशीय जिम्नेशियम हॉल का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद अतिथियों ने खिलाड़ी विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर मंत्री परमार ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही खेलों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए शासन दृढ़ संकल्पित है। परमार ने उज्जैन को जिम्नेशियम हॉल की सौगात देने के लिए पूर्व मंत्री पारस जैन और समाज सेवी नवीन आर्य की भी सराहना की। अध्यक्षता करते हुए विधायक जैन ने खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। खिलाड़ी छात्र दृष्टि तिवारी एवं मोहन धाकर ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। संचालन शैलेंद्र व्यास ने किया, आभार सहायक संचालक खेल अरविंद जोशी ने माना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह हेतु नगर निगम में सभापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके संबंध में निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव द्वारा बैठक लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह आयोजन के संबंध में बैठक लेते हुए निगम अध्यक्ष ने कहा कि शहर में सभी वार्ड क्षेत्रों में आर्थिक रूपे से पिछड़े परिवारों को कन्या विवाह योजना का लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए पार्षदों को महिला बाल विकास के समन्वय से अधिकाधिक नागरिकों से संपर्क कर योजना की जानकारी देते हुए नागरिकों को योजना से लाभान्वित कराया जाए। बैठक में समग्र विकास अधिकारी के उपस्थिति में पार्षदों को मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के विस्तृत जानकारी से अवगत कराया एवं बताया कि नगर निगम मुख्यालय कक्ष क्रमांक 214 में योजना के संबंध में प्रातः 10 से सायं 6 बजे तक जानकारी प्राप्त करते हुए फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल शामिल हुए। बैठक में MIC सदस्य श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, श्रीमती सुगन बाघेला, पार्षद श्री पुरुषोत्तम मालवीय, श्री पंकज चौधरी, श्री सुरेंद्र मेहर, श्रीमती भारती चौधरी, श्रीमती बबीता गौड़, श्रीमती दिव्या बलवानी, श्रीमती अंजलि पटेल, सर्वश्री संजय अग्रवाल, आनंद सिंह खींची के साथ ही पार्षद प्रतिनिधि उपस्थित थे। ट्रैफिक DSP ने नानाखेड़ा चौक पर ऑटो चालकों और आम नागरिकों को यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश देते हुए दिलाई शपथ। शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने व वाहन चालकों की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक DSP सुरेंद्रपाल सिंह राठौड़ ने अपनी टीम के साथ नानाखेड़ा स्थित समुद्र मंथन प्रतिमा के समीप ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो चालकों और सामान्य जन को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की समझाइश दी और कहा कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, वे यातायात के सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने इसी सिलसिले में शपथ भी दिलाई। आमजन ने भी उत्सुकता के साथ बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाकर चलने की शपथ ली व ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी निश्चय किया। शराब पीकर वाहन नहीं चलाऊंगा, वाहन चलाते समय हमेशा एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के लिए सदैव मदद के लिए तब तक तैयार रहूंगा। पीड़ित व्यक्ति के लिए जय हिंद। हमने सिर्फ ऑटो चालक को नहीं, आम जनता को भी इसमें शपथ दिलाई है। सड़क सुरक्षा संबंध में आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए और सड़क पर यातायात को सुगम से चले, इसलिए आज सभी वर्ग के लोगों को, आम लोगों को, ऑटो चालकों को, अन्य चालकों को भी यातायात के संबंध में एक हमने शपथ दिलाई है, जिसमें वो ये याद रखें कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहने, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग न करें, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को प्राथमिकता पे जगह दें। ऐसी हमारी 6-7 बिंदुओं पे थी, उनको आज हमने शपथ दिलवाई है। काका भतीजी को घर के सामने ही रहने वाले पिता पुत्र ने रंगदारी करते हुए किया चाकू से हमला। वहीं दूसरे मामले में पार्टनरशिप के विवाद में रुपए के लेन देन को लेकर भी एक युवक पर हुई चाकूबाजी।
थाना देवास गेट क्षेत्र अंतर्गत हीरामल की चाल निवासी मजदूरी कार्य करने वाले नरेंद्र पिता पन्नालाल उम्र 50 वर्ष घर के दरवाजे नहीं लगने पर उसे ठीक कर रहे थे। तभी घर के सामने रहने वाले दीपक नागवंशी, मुकेश नागवंशी और पिता राजू नागवंशी रंगदारी करते हुए उनसे विवाद किया और नाक के समीप चाकू से वार कर दिया। वहीं बीच बचाव में आए उनके भतीजे भरत पिता बाल मुकुंद उम्र 40 वर्ष के साथ भी मारपीट की। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये घर की बात है, घर के सामने रहते हैं और हमारा घर भी सामने ही है, तो हमारा दरवाजा नहीं लग रहा था तो मैं दरवाजा सही कर रहा था और वो बोल गया था कि है ना तो गाली मारता हमको और हम उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो वो आए दिन हमें माथा आने की कोशिश करते हैं और बोले ज़्यादा बोलेगा ना तो मार देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र जाटवा है। सामने वाले क्या नाम है? राजू नागवंशी, दीपक नागवंशी। मारपीट में किस चीज चोट आई है? उसने चाकू से मारा था नाक, ये नाक पर। और किसको चोट आई है? और मेरे भाई को, मेरे भतीजे को भी मारा। क्या नाम है उनका? भरत। अभी कहाँ पर हो? अभी वो भर्ती हो, भरत मेरा भतीजा भी भर्ती है। इधर एक अन्य घटना में थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत जितेंद्र पिता भगवान लाल उम्र 32 वर्ष निवासी न्यू इंदिरा नगर में अभित पटेल से मोबाइल की दुकान खोलने के लिए पार्टनरशिप की थी, लेकिन जितेंद्र ने पार्टनरशिप खत्म करते हुए अभित से रुपयों की मांग की। इस पर अभित ने जितेंद्र को फ्रीगंज बुलाकर रजत और अपने अन्य दोस्तों के साथ जितेंद्र को अपनी कार में बैठा लिया और शांति पैलेस होटल के समीप ले जाकर कार में मारपीट की और कमर पर चाकू मार दिया। वह जितेंद्र को नानाखेड़ा पर छोड़कर अपनी कार से भाग गए। मैं दुकान पर पेमेंट लेने गया था, मेरा पार्टनरशिप थी तो पार्टनरशिप में हट गया हूँ मैं, तो उसका पेमेंट लेने गया था मैं मेरा, तो उनने बोला कि मेरे दोस्त आ रहे हैं पैसे लेके, और उनने मुझे धक्का दे के गाड़ी में बिठाया और शांति पैलेस के पीछे गाड़ी में पहले तो मारकूट करी, शांति पैलेस तक ले गए, शांति पैलेस के फिर वहाँ पर मारा, फिर मेरे को चाकू मारा है पैर में और फिर मेरे को नानाखेड़ा पर छोड़ के चले गए वो पटक के। कौन लोग थे ये? मेरा एक तो पार्टनर था अभित पटेल था, जो अभित पटेल फ्रीगंज में एक्सपर्ट मोबाइल के नाम से दुकान है, एक वो था, एक रजत है और उसके दोस्त कौन थे। कितने बजे घटना हुई? ये रात को 9 बजे मेरे को बिठा के ले गए थे, 8:30 से 9 बजे के बीच में, और फिर मेरे को रात को 11:30 बजे के बाद छोड़ा उन्होंने। इसकी सूचना थाने पे दी आपने? वो थाने वाले यहीं पर आए थे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया था, मेरे दोस्तों ने यहीं ले आए थे। कौन से थाने? नीलगंगा थाना। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।